हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कविता लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को जेल में बंद कर दिया गया था और वहाँ रह करके कोयल को वह क्या क्या कहता है, यही इस कविता में हमने बताया है। बीच बीच में मैंने कविता के सारे जो PDFs हैं वो भी लगाए हैं, तो आप वो कविता देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं कविता। क्या गाती हो? सबसे पहले कवि क्वेश्चन पूछ रहा है कोयल को कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? क्यों क्यों रह रह जाती हो? और तुम गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो? कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम जवाब दो कि जब तुम गाती हो तो चुप क्यों रह जाती हो? क्या लाती हो? संदेशा किसका है? आप किसका संदेशा लेकर के आई हो कोयल? हे कोयल, मुझे बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो यहाँ मुझसे मिलने जेल में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यहाँ मैं ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में बैठा हुआ हूँ। अंग्रेज जो थे कैदियों को बड़ी ऊंची दीवारों में बंद कर देते थे और कवि वहीं पर बैठ करके कोयल से बातचीत कर रहा है और उसी को अपने कविता में उसने बताया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, वे कहता है कि यहाँ डाकू भी हैं चोर भी हैं, जेल में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और मैं उनके बीच में बंद हूँ। यहाँ मुझे ऊंची ऊंची दीवारों में बंद किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता है, यानी कि हमें भूखा रखा जाता है। अंग्रेज सरकारों के दमन का यहाँ पर चित्रण किया गया है और भूखे पेट जो है किस प्रकार से कवि गाना गा रहा है, कविता लिख रहा है, वह बताया गया है। अंग्रेज सरकार अपने कैदियों को जीने के लिए पेट भरकर खाना भी नहीं दिया करती थी, वही दुख यहाँ पर प्रकट हो रहा है। मरने भी देते नहीं तड़प रहे जाना, ऐसा रखते हैं कि हमें मरने भी नहीं देते हैं और हम तड़पते रहते हैं। आज़ादी की राह में हमारे देश के जो भगत थे, जो वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितने कष्ट उठाए आप इस पूरी कविता में समझेंगे। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से कैदियों को तड़पाया करते थे। बस वो जिंदा रह जाएं इतना ही खाना दिया करते थे और मरे भी नहीं बस इतना सा खाना दिया करते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, उनके जीवन पर एक कड़ा पहरा लगा दिया गया है कि वो मर भी नहीं सकते हैं, जी भी नहीं सकते हैं। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश कर चुका है। अब उसे कोई आशा नहीं है कि उसके जिंदगी में कुछ अच्छा होगा और रात भी काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, काली माँ मई यानी काले रंग वाली, आली यानी सखी। यहाँ पर कवि की एकमात्र फ्रेंड जो है वो कोयल है, क्योंकि वो उसके साथ गाना गा रही है और वह जग रहा है। तो वह क्या कह रहा है कि हे फ्रेंड, हे मित्र, तुम इस समय क्यों जाग गई हो और तुम क्यों काले रंग वाली होकर के यहाँ काली रात के साथ गाना गा रही हो। अगर इन पंक्तियों में हम देखें तो अंग्रेज शासन के अत्याचारों को कवि ने उजागर किया है। भाषा सरल सहज और भावानुकूल बन पड़ी है। अन्य पंक्तियों में फिर वह कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हूक यानी कोयल की आवाज, क्यों तुम ऐसे हुक रही हो, तुम्हारी आवाज़ में वेदना है, बोझ है, एक बोझ सा नज़र आ रहा है। हे कोयल बताओ, क्या लुटा, तुम्हारा क्या लुट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। तुम तो बहुत वैभवशाली थी, मृदुल थी, मिठास थी तुम्हारी आवाज़ में। अहे कोयल, मुझे अब ये बताओ कि तुम अब पागल क्यों हो गई हो? तुमने किसको लुटते हुए देख लिया है जो तुम्हारी आवाज़ में इतनी पीड़ा आ गई है, वेदना आ गई है? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो।
ऐसा क्या कारण है कि तुम आधी रात को चीख रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल यानी जंगल की आग, ज्वालाएं यानी लपटें। तुमने कौन से जंगल की आग देख ली है जो तुम इतनी चीख रही हो? तुम वेदना युक्त आवाज में गाना गा रही हो और तुम आधी राती में इस प्रकार से कूक रही हो। क्या तुमने कहीं जंगल में कोई आग की लपटें देख ली हैं जो इस प्रकार से तुम पागल होकर के चिल्ला रही हो? कवि की भाषा बहुत ही सरल और प्रवाहमयी है, बोलो तो शब्द की आवृत्ति जिसने कवि ने की है। भाषा में की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। अन्य पंक्तियों में फिर वह कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कहते हैं कि क्या तुमने मुझे जो गहने पहनाए गए हैं, यानी जंजीर पहनाई गई हैं, क्या वे तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं? ब्रिटिश सरकार ने मुझे ये गहने पहना दिए हैं, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहना दिए हैं, आप क्या वो देख नहीं सकती हो? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह तो ब्रिटिश राज का पहनाया हुआ गहना है जो हमें दिया है उन्होंने, और यह गहने वे भारतीयों को पहनाता है। कोहलू का चरक हूँ, कोहलू का चरक जो जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हमें कैसा बना दिया है? कोहलू के चलने पर जो एक ध्वनि निकलती है, चरक चू जो होता है, वो जो है एक ढोल होता है, मोट खींचना, चमड़े का डोल होता है जिससे कुएं से पानी खींचा जाता है, और जुआ जो होता है बैल के कंधों पर रखी जाने वाली एक लकड़ी होती है, और बैल जब चलता है तो चरक चू की आवाज आती है और पानी निकलता जाता है। तो कहते हैं कि कोहलू का चरक चू जीवन की तान, कोहलू का जो चरक चू है, पहले कैदियों से कोहलू पिसवाया जाता था, चलवाया जाता था, उससे पानी निकालते थे और तेल भी निकाला जाता था। तो कैदियों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? कोहलू में। इसी वजह से कवि कहता है कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, कि हमारे पर इतने जुल्म किए जाते हैं कि मानो हमारे जीवन की तान हो, हमें ऐसी चरक चुकी जो आवाज़ है वो कैसे, हमें क्या लगने लग जाता है कि अब हमारे जीवन में बस यही तान बच गई है, यही आवाज़ देख करके सुन करके हम जीते हैं, और हमारी अंगुलियां जो हैं वो देशभक्ति के गीत लिखते हैं उनसे हम मिट्टी पर। मिट्टी पर हम क्या लिखते हैं? देशभक्ति के गीत लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मेरे पेट पर जुआ लगा दिया गया है, जैसे बैल पर जुआ लगा दिया जाता है वैसे ही कुएं से पानी निकलवाया जाता था, कैदियों को बैल की स्थान पर जोत दिया जाता था। अंग्रेज सरकार का यह घोर अत्याचार इस पंक्ति में आपको स्पष्ट नजर आएगा। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, शब्द बाणों से वह कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की जो अकड़ थी उनके कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा हूँ बल्कि मैं तो उनकी अकड़ का कुआ खाली कर रहा हूँ, जो वो अकड़े हुए हैं यानी कि उसका कुआं मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, कि कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनके मन में दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगे, क्योंकि दिन में तो हम अपने भाव ही नहीं दिखाते हैं, हम ये जाहिर ही नहीं कहते हैं करते हैं कि हम अंग्रेजों के इन अत्याचारों से टूट चुके हैं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसीलिए तुम रात में बोल करके हमें, हम पर इस करुणा की ध्वनि से गजब ढा रही हो। तो हे कोयल, तुम जो बोल रही हो वो हम दिन में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो पीड़ा जो है वो हम दिन में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। फिर वे कहता है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? अभी तो शांत समय है, रात का समय है, और अंधकार यानी अंधियारे को बेदना यानी बींधना, बाण चलाना, तुम क्यों अंधियारे में रो रही हो? कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोही बीज इस भांति रही क्यों हो? क्यों बो रही हो आप इस तरह के विद्रोही बीज मीठी मीठी आवाज में बोल करके? हे कोयल, मुझे जवाब दो। कवि की भी मधुर भाषा है और वह कविता रच करके लोगों के मन में
विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ कोयल को वह कहता है कि हे कोयल, मुझे ऐसा क्यों बना रही हो कि मैं विद्रोह की कविता लिख दूँ, यानी कि लोगों के मन में विद्रोह जागृत हो जाए अंग्रेज सरकार के प्रति। फिर कहता है काली तू रजनी भी काली, कोयल को कहता है कि हे कोयल तुम भी काली हो, रजनी भी काली है, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली और अंग्रेजों की करतूत है वो भी काली है, काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में जो कल्पनाएं आ रही हैं वो भी सब काली हैं, और अंग्रेज के शासक के जो कर्म हैं वो भी सब काले हैं, काली टोपी है कमली काली, मेरा कंबल भी काला है, मेरी लौह श्रृंखला काली, मैंने जो चेन पहनी हुई है, जंजीर हाथों में पहनी हुई है, वह भी काली है, पहरे की हूँ कृति की व्याली, व्याली यानी सर्पिणी सांप, पहरे की जो हुंकृति है, हुंकार है, मुझ पर जो पहरा बिठाया गया है वह बिल्कुल सांप की तरह है और वह भी काली है, तिस पर हे गाली, और इस पर भी मुझे गाली दी जाती है, हे अली यानी हे सखी इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि तुम इतनी मस्त होकर मुझे इसका भेद बता दो कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण में किस प्रकार से तैराती हो, किस प्रकार से गाती हो, कोकल कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, यानी किस प्रकार से अपने गीत आप गा लेती हो, सब कुछ काला ही काला हो चुका है, तुझे मिली हरियाली डाली, आपको तो बैठने के लिए हरियाली डाली मिल गई है, लेकिन मेरे नसीब में कोठरी काली है, तेरा नभभर में संचार, तुम तो आकाश में उड़ लेती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, कि मैं तो 10 फुट की कोठरी में बैठा हुआ हूँ, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तुम्हारे तो गीत वाह वाह से सुने जाते हैं, लेकिन मैं अगर रो भी देता हूँ तो भी वह गुनाह की तरह देखा जाता है, कि मैंने कोई अपराध कर दिया हो, ऐसा माना जाता है कि मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ, देख विषमता तेरी मेरी, तुम दोनों अपनी तुलना कर लो, तुम में मुझ में अंतर देख लो, बजा रही थी इस पर रणभेरी, फिर भी तुम अपनी रणभेरी बजा रही हो, युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तू इस विषमता को देखते हुए युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। कवि कोयल से कहता है कि इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में क्या लिखूं, यानी अपनी कविता के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता में मैं विद्रोह की भावना ही भर सकता हूं। हे कोयल तुम ही बताओ, महात्मा गांधी की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो उन्होंने व्रत लिया था, उस प्राणों का आनंद किस में भर दूं, व्रत पर प्राणों का जो आनंद है वो किस में भर दूँ। यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन का दृढ़ निश्चय किया था, उस व्रत की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार से यह कविता कोयल को संबोधित करके लिखी गई।